मामा तो बहुत मेहनत से बनाता है। मामा बहुत मेहनत से बनाता है, तो मामा को क्या करो बोल के सबसे ठीक है। पे स्टार्टिंग होके अभी एंडिंग बहुत बड़ा है। ये वीकली मार्केट सैटरडे मार्केट है, ये 60 बोर्ड है ना होगा। ये 2 kg ऐसे ले लेगा। और प्याज का कितना है? 80 ना, कम नहीं होगा? 70। तो ये रेडी हो चुका है। बेटी इस बार अभी बेटी स्कूल जा रहे हैं। वो कुक का बास जो यहाँ में आ जाता है हमारे घर के सामने में। और ये आज अपना ट्रेडिशनल कपड़ा पहना है। हर शताब्दी में अपना ट्रेडिशनल जो कपड़े होते हैं ना उसको पहनना पड़ता है। और आज इसका बर्थडे है, इसे देखो। आज इसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विश करना है सब। चलो बाय बाय। चलो बाय बाय। ओ बस आ गया, वो क्या बोले बेन आ गया ना। पूरा इतना शर्म करते हैं ना मेरा बेटी, कैमरा देख के पूरा चुपना स्टार्ट होता है। मिली इसको भूख लगा होगा, सुबह से पूरा रो रहा है। चलो मिली मिली चलो देखा लो 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 मिली चलो। यहाँ मैं सुबह ब्रेकफास्ट बना के रखा था बेटी के लिए। ये पूरा धक्का है, नैनो से बिल्ली पूरा खा देते। इसको देना पड़ेगा दूध से बनाया था ओट्स। रुको तुम थोड़ा रुको, हाँ ठीक है यहाँ देगा ठीक है। सुबह ऐसे जाने नहीं देता है, पूरा पाँव में कैसे कैसे करके रखता है। चलो मिली चलो, ये दूध लगाया उसका ओट्स लगाया। चलो अभी कहा खा के शांति हो जाओ ठीक है। इतना म्यांग 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 करके आगे पीछे दौड़ते रहेगा। और ये है सिम्बा, सिम्बा इतना सुबह में उठ के ना इतना भूख लगता होगा, पाँव में पूरा ऐसे ऐसे करके। और ये आ गया, आ इधर इधर मेसी इधर इधर यहाँ पे है। आ आ यहाँ पे एक साथ का यहाँ पे। हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही होगा। तो आज इतना खूबसूरत शहरों से हमारा ब्लॉग स्टार्ट किया है ईटानगर से। अभी आपका भैया क्या कर रहा है उसको दिखाएगा मैं। तो भैया यहाँ पे पानी दे रहे हैं, जो जितना भी वॉल बनाया ना उसको पूरा पानी दे रहे हैं। तो इसको सुबह शाम पानी देने के लिए बोला है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा ना वॉल जो, तो इसलिए यहाँ में मिट्टी फिलअप करेगा तो ये होगा क्रैक नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा सुबह शाम पानी दो बोला है। तो आपका भैया देखो वहाँ पे पानी दे रहे हैं। तो ऐसे है हमारा खूबसूरत ईटानगर, इतना खूबसूरत है सच में। हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए हमारा ब्लॉगिंग आज स्टार्ट हो गया है। तो अभी तक आपका दीदी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और खाया भी नहीं। तो सुबह तो बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था, बेटी स्कूल चला गया, अभी हम बना के खाना पड़ेगा। आज क्या खाएगा? हमेशा हर माँ का टेंशन होगा आज ब्रेकफास्ट में क्या बना देगा ना। तो ऐसे ही मेरा भी टेंशन है आज क्या बनेगा। चलिए देखते हैं आज क्या बनेगा। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट पूरी और ये है दाल और पम्पकिन बनाया। तो सुबह का ब्रेकफास्ट खाते हैं, एक बार टेस्ट करेगा। कुकु ब्रेकफास्ट खा लिया ना? हाँ। देखो गुड गुड ठीक है। चलिए हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेगा। ब्रेकफास्ट खा के अभी हम लोग निकल रहे हैं। आज सैटरडे मार्केट है चिंपू में, तो वहाँ से हम लोग सामान उतरेगा। आज बेटी का बर्थडे है तो बर्थडे में मतलब बुलाया नहीं, उसका 2-3 दोस्त आएगा शायद। और आज लंच और डिनर नहीं कराएगा। बेटी बोला कि हो जाएगा चाओ मोमो आलू चॉप ये पकौड़ा ऐसे बना दो मामा बोल के। तो वही देखने जा रहे हैं सामान उतारने वहाँ, तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा बाकी मार्केट से ना। तो इसलिए भैया हम दोनों अभी जा रहे हैं तो मार्केट की ओर। और ये है ये चंद्रनगर ना, हाँ हाँ उसको दिखा दो, ये ज्ञान गंगा स्कूल था, अभी पता नहीं क्या हो गया बंद हो गया। हाँ ये देखो ज्ञान गंगा स्कूल ईटानगर का। तो ये तो अभी पूरा खंडर बन चुका है, यहाँ में कोई नहीं है, बंद हो गया, पता नहीं क्यों बना गया, कोई आइडिया नहीं। तो होगा दोस्तों अभी चलते हैं हमारा वीकली मार्केट की ओर। तो यहाँ मार्केट में आ गया और यहाँ आलू का दाम इतना ज्यादा है, ये 60 बोर्ड है ना होगा। ये 2 kg ऐसे ले लेगा।
और प्याज का कितना है? 80 ना, कम नहीं होगा? 70 रख देगा ना। तो यहाँ अब्बा भाई साहब इतना कॉस्टली है ना, क्या ही बोलेगा। तो सामान ले लेगा, पहले सामान उठा लेगा, सब्जी जितना लेना है ले लेगा। और गर्मी भी बहुत खतरनाक से गर्मी है। अब मार्केटिंग कर लिया, अभी देख पा रहा होगा इतना पसीना से पूरा नहा लिया जैसे। अब हालत बहुत खराब है, इतना गर्मी है ना। और यहाँ पे स्टार्टिंग होके अभी एंडिंग बहुत बड़ा है ये वीकली मार्केट, सैटरडे मार्केट। अब आपका भैया हम दोनों मतलब मार्केट वहाँ पे क्या क्या लिया है अच्छा से नहीं दिखा पाया, क्योंकि गर्मी इतना खतरनाक वाला गर्मी चल रहा है ना, उसका कारण से आज आदमी थोड़ा गर्मी है। हाँ, शाम में बहुत होगा, अभी गर्मी है ना, तो इसलिए आदमी भी कस्टमर भी थोड़ा कम है, शाम में बहुत निकल जाएगा। अब आप बहुत लंबा है और इतना बड़ा है डेली मार्केट वीकली मार्केट। तो होगा दोस्तों यहाँ से घर जाएगा, उसका बाद दिखाएगा क्या क्या लेके आया। इतना गर्मी उपाय नहीं, गर्मी जैसे तैसे आ गया। और ये देखो, ये हमारा वाइल्ड वाला साग है, और ये भी वाइल्ड वाला है, चटनी खाता है इसको। और ये हमारा बम्बू सूप, ये बॉईल करने वाला, बॉईल करके और मतलब जला के ये करते हैं ना, बिक्री करते हैं इसको। ये 100 रुपीज़ लिया है। आलू लिया, टोमेटो, प्याज, और ये है दक्या साग ना, पेडल हेड फॉर्न लिया। उसके बाद बीन्स बहुत लिया, और ये मिर्चा लिया। अब इतना मार्केटिंग किया और इतना गर्मी है, खतरनाक गर्मी, जैसे तैसे करके मार्केट किया ना, क्या ही बोलेगा। तो आ गया, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेगा, उसके बाद रेस्ट मतलब थोड़ा रुक लेगा, उसके बाद में दिन का नाश्ता करेगा। अभी तो थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इतना गर्मी से आया ना, थोड़ा हमको रुक के उसका बाद में दिन का लंच बनाना पड़ेगा। सो अभी दिन का खाना पीना हो गया खा के, और बच्चा लोग आ गया स्कूल से, अभी और खाना खा रहे हैं। तो हम मतलब आज बनाएगा मोमो, चाउमीन, जो भी हम अभी बच्चा के लिए बना देगा। तो मेरा बेटी बोल रहा था मामा बना दो के, तो बेटी तो अभी तक नहीं आया, 3 बजे में स्कूल से आता है, तो इसलिए अभी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। आज का बहुत लंबा होगा, बहुत लॉन्ग होगा मेरा ब्लॉग जो, इसलिए हम जो खाना पीना था मतलब लंच ना दिन का, तो वो नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अभी सबसे पहले मोमो बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले गोभी को कर लेगा। तो मोमो बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया, अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। गर्मी भी इतना ज़्यादा है ना, उसको जल्दी जल्दी कर लेगा। अभी बिल रहा है, अभी बहुत चीज़ काम करना है हमको, ये सिर्फ नहीं होगा। आलू चौक बनाना है, पकौड़ा बनाना है, अभी यही कितना टाइम लगेगा होगा पता नहीं, बनाने वाला है नहीं, हम हैं आपका भैया थोड़ा मदद कर रहा हूँ। ये तो अंदर में दिखाएगा, चिकन ये कर रहा है, मोमो के लिए चिकन बॉईल कर रहा है। मोमो के लिए चिकन बॉईल मतलब कि ये आया, ये है, इसमें चिकन बॉईल हो रहा है, ये सूप बनेगा, तो बढ़िया से बॉईल हो रहा है ये। तो ये काला काला गुल मिर्च बोलता है क्या इसको, वो भी दिया हुआ है। तो ये यामी चिकन है, केवे चिकन ओनियन, अब इसको कोट करेगा। पर मेरा फोल्ड तो बहुत अगली से हुआ है, फिर भी हो जाएगा, टाइम ही नहीं है ना, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए पूरा फोल्ड भी पूरा खराब है। यहाँ पे पकौड़ा के लिए पूरा रेडी हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बेसन, उसके बाद में करी पत्ता, केवेज और ऑनियन डाला है यहाँ पे। और ये आलू चॉप बनाने के लिए सब आलू क्या है, उसके बाद प्याज, कच्चा प्याज और कच्चा मिर्च, ग्रीन मिर्च ना, वो डाल देगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। और ये वाला जो यहाँ में मोमो बन रहे हैं, थोड़ा सा दिखा देगा, टेस्टी। तो हमारा केक आ गया, तो केक थोड़ा केक दिखा दो ना कैसे है, इतना हरभरी हो गया ना, आज उपाय नहीं, थोड़ा बाहर से यहाँ से पूरा गंदा हो गया। चलो केक थोड़ा सा दिखा दो कैसे है।
तो एक्साइटेड है केक देखने के लिए, हम ही उल्टा एक्साइटेड हो रहे हैं केक देखने के लिए। और ये पूरा गंदा हो रहा है, जस्ट आप भी काम किया तो पूरा अभी तक सफा नहीं किया। हाँ, एक के जी कितना नु होगा। हैप्पी बर्थडे मयूम साबा, वाह सुंदर है तो ना, सुंदर है, चलो सुंदर है। तो भैया भी केक लेके आ गया, तो होगा हम पहले बना लेगा, उसका बाद में बनाने का बाद में आप लोगों को दिखाएगा क्या क्या दीदी बनाया। गर्मी हो चुका है ना, तो उसका बाद में अभी बच्चों के लिए जो बनाने का बाद में, फिर लंच के लिए लंच लगता है, ब्रेकफास्ट के लिए हम क्या बोलते जा रहे हैं पता नहीं, डिनर के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा बहुत सच में। बन के हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा क्या क्या बना है। ये मोमो ना, होममेड मोमो, और यहाँ पे है थोड़ा सा खोलेगा तो यहाँ पे है आलू चॉप, इन्होंने बनाया क्योंकि आदमी ने बुलाया, बेटी का एक दो तो दोस्त आया ना, और ये है पकौड़ा। तो चाव बनाएगा सोचा था, चाव के लिए टाइम जुड़ा ही नहीं है तो हो जाएगा, अभी ये बनाएगा उसका दिन का रात का डिनर बना देगा और बच्चा लोग के लिए मतलब साथ में खाने देगा ना। तो यहाँ पे मज़ा से बच्चा लोग खेल रहे हैं, दो तीन ऐसे आया ना, अभी और आएगा होगा शायद। अब इतना गर्मी है जैसे तैसे बनाया, हमारा तो बहुत मदद किया भाई का वाइफ और उसका बस में हमारा बहन, वो नहीं होने से तो कंप्लीट नहीं हो पाना था, इतना टाइम लगना था ना क्या बोलेगा। और आपका भैया है कि केक लेने चला गया था तो ऐसे हो कि इतना अकेला पड़ गया था, तो उसने हमारा घर का आदमी मदद किया है तो जल्दी जल्दी बन गया। रात हो गया 6 बजे तो अभी केक को कटने देगा सोच के, तो हमारा वो दीदी ना आपका भैया का दीदी और जज आ रहे हैं उनके, तो वो लोग के लिए रुका हुआ था, फिर वो लोग ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, फिर बच्चा लोग का पेरेंट्स लोग फिर टाइम टेबल होता है तो इसलिए पहले कटने देगा केक को। तो ये रेडी हो चुका है, बेटी इस बार 14 इयर्स होने जा रहा है और कपड़ा पहनने चला गया। तो आपका दीदी सुबह से टाइम ही नहीं मिला है खुद रेडी करने के लिए, कैसे लग रहा होगा, पूरा हालत खराब हो चुका है, एक्साइटेड है। हाँ थोड़ा बोरिंग है ना, आपका बर्थडे होने से आप कितना खुशी होना था ना, चिकन नकेट खाना था, खुद का बर्थडे में चिकन नकेट। चलो अभी क्या कटेगा ना, चलो हो गया, वो करूँगा आपको करो, चलो विश करो। ये 14 में 14 इयर्स होने जा रहे हैं तो ये 14 में ब्लेसिंग दो बोलो, पढ़ाई का हर चीज का, चलो वो करो सब यहाँ में कहेंगे आपको, ये कह गाना गा दो, इतना खुशी है। खिलाओ बा, चलो दोस्त को खिलाओ, और एक दोस्त नहीं आया ना, बाद में आएगा होगा, अरुण को चलो, अरुण ऐसे मत करो, अच्छा से है बंदर जैसे नहीं बंदर जैसे नहीं, अच्छा से ठीक है हो गया अभी निकल देगा ठीक है। तो अभी ये बच्चों को खाने पीने के लिए दिया है, ये मेरा बनाने वाला, खा के देखो तो बेटी, ये पकौड़ा है अंति का बनाने वाला, टेस्टी है ठीक है, थैंक यू। चलो सब खाओ, चलो यहाँ में तो बेटी लोग खाओ ठीक है, सुंदर सुंदर बेटी लोग, अरे मैम जा रहा भी पीछे पीछे, और जिम से हो सब कुछ जाएगा हम दोनों अभी।
बच्चों को अच्छा से खाती रहो हाँ, पूरा आंटी बनाने वाला है तो होगा। हाँ तो होगा, वो बच्चों को भी खाते रहने दो, थोड़ा स्पेस दे देना है ना, फिर पेरेंट्स साथ में होने से वो लोग भी फ्री नहीं होते, इसलिए मेरा मोमो बनाने वाला बच्चा लोग बहुत पसंद आया है ना। नेक्स्ट बार में मैं बना देगा, आंटी बहुत ज़्यादा बना देगा। तो अभी रात का 10 बज गया, बच्चा लोग भी चला गया। तो हमारा ब्लॉगिंग कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, और जो मेरा नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दीदी को। मामा तो बहुत मेहनत से बनाता है। मामा बहुत मेहनत से बनाता है, तो मामा को क्या करो बोल के, सब्सक्राइब करो, ठीक है सब्सक्राइब करो बोल के। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है तो सब्सक्राइब कर देना, और दीदी हर दिन कमेंट भी करो बोल के, बेटा बोल रहे हैं। तो हर दिन का तरह हर दिन मतलब एवरी डे हमारा ब्लॉग आते रहेगा सुबह का 7 बजे में। तो काफ़ी इतना थक गया, देख के मेरा शक्ल को देख के पता चल गया होगा दीदी इतना थक गया। तो होगा दोस्तों, अभी मिलेगा कल मेरा ब्लॉग, कल परसों और एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।